हेलो फ्रेंड, डेलीशियस इंडियन फूड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम का पना, इसे शरबत भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी प्रेस कीजिएगा। जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं कच्ची आम का पना। कच्चे आम का पना बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है तो देख लेते हैं। यह मैंने दो आम लिए हैं। आम को मैंने पहले से ही बाइल किया था, यह बाइल हुए आम हैं। एक छोटी चम्मच गेहूं का आटा, एक चम्मच घी, थोड़ा सा काला नमक, सादा नमक स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच जीरा, दो तीन टेबलस्पून शक्कर। शक्कर आप अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते होंगे तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं शक्कर। सबसे पहले हम आम को तोड़ेंगे और इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद आम का पूरा रस निकाल लेंगे। इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड, हमने आम का पूरा रस निकाल लिया है। अब हम एक बर्तन में घी गरम करने के लिए रखेंगे। गैस को ऑन करेंगे। घी के गरम होने पर हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। उसके बाद ऐड करेंगे गेहूं का आटा। आटे को अच्छे से भूनेंगे ताकि आटे का कच्चापन निकल जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमने एक दो मिनट आटे को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो अपन ने रस तैयार किया था वो। मिक्स करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, दो तीन टेबलस्पून चीनी, थोड़ा सा काला नमक और स्वादानुसार सादा नमक। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये उबाल आने देंगे। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। यह उबाल आ गया है, हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा कच्चे आम का पन्ना रेडी है। तो फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने को मिलेगी। मिलती हूँ फ्रेंड एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।